हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईफेस। तो गाइज, कैसा लगा क्वेश्चन कल का? आई होप कि आप सबको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलते हैं गाइज, आज के डेट में हम बात करने वाले हैं आज के सोल्यूशंस। तो आप सब बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, कोशिश करिए जितना हो सके उतना ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ये इन्फॉर्मेशन, ताकि सारे बच्चों की तैयारी अच्छी हो सके। चलिए गाइज, तो हम बात करते हैं आज का। तो इससे पहले हम आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि हमारा जो आईआईटी जेम और सीयूटी पीजी का एक नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 16 सितंबर से। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपनी स्टडी तैयारी स्टार्ट नहीं किया है, वे बच्चे जाकर के हमारा 16 सितंबर से जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आप सबको 30% ऑफ भी मिल रहा है। तो इसके लिए कूपन कोड क्या अप्लाई करना है? IFAS30। इस कूपन कोड को अप्लाई करके आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो इसका इस बैच का नाम जो रखा गया है, आप सबको दिख रहा है, चैंपियन बैच है। तो चैंपियन बैच में चैंपियन बनने के लिए आपको लाइव बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप लोग जाइए फटाफट, अभी तक जो बच्चे अपनी पढ़ाई शुरू नहीं किए वे बच्चे जाकर के ज्वाइन कर लें, ताकि अपना स्टडी करते रहें। चलिए हम बात करते हैं आज के सोल्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज एन इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो ऐसा है जो इम्पॉसिबल है। अगर हम बात करें तो आप सबको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यहाँ पे दिया है 3, एल की वैल्यू दिया है 2, एम की वैल्यू दिया है -2 और एस की वैल्यू दिया है +1। तो आप सब जानते हैं एन की वैल्यू 3 है, तो एल की वैल्यू के लिए पॉसिबल वैल्यू क्या होता है? पॉसिबल वैल्यू फॉर एल, पॉसिबल वैल्यू फॉर एल इसके लिए होता है 0 to n-1। तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे तो बचेगा 2, यानी यहाँ पे हमारे पास आया 2, तो ये सही बात है। और पॉसिबल वैल्यूज फॉर m के लिए अगर हम बात करें, पॉसिबल वैल्यूज फॉर m, अगर m की बात करें तो m के लिए होता है -l to +l, -l 0 to +l, यानी यहाँ पे जो सेम वैल्यू है यानी ये -2 हो सकता है। और एस की वैल्यू हमेशा अगर इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया है तो +1 -1 दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें नो डाउट, तो यानी ये हमारा एस की वैल्यू यहाँ पे सही दिया है, यानी ये पॉसिबल है, ये हमारा पॉसिबल है। और भी पूछा है इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। अगर हम दूसरे की बात करें तो एन इक्वल टू 4 दिया है, एल इक्वल टू 0 दिया है, तो एल इक्वल टू हमारा 0 भी हो सकता है क्योंकि ये पॉसिबल वैल्यूज की बात चल रही है। तो एम की वैल्यू भी 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर यहाँ पे एल की वैल्यू है तो यहाँ पे एम की वैल्यू है, तो एम की वैल्यू भी 0 हो सकती है। तो एस की वैल्यू +1 -1 कुछ भी हो सकता है, एनी वन। तो आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें थर्ड के केस में, एन इक्वल टू 3 दिया है और एल इक्वल टू 2 दिया है, यहाँ तक तो ठीक है। बट एम की वैल्यू करें हम -3, और आप देख पा रहे हैं एम की वैल्यू हमेशा इक्वल होगा एल के, यानी मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा। या तो एम की वैल्यू अगर हमारा यहाँ पे एल की वैल्यू अगर 2 था तो एम की वैल्यू -2 हो सकता था, 2 हो सकता था, या 1 हो सकता था, या 0, लेकिन उससे कभी ज़्यादा नहीं हो सकता है एन। यानी हम ये कह सकते हैं एल और एम हमेशा इक्वल होने चाहिए, कभी भी एल नॉट इक्वल टू एम ये पॉसिबिलिटी नहीं है। दिस इज द रॉन्ग, दिस इज द राइट, तो ये हमारा होना चाहिए। तो इस बिहाफ पे हमारा जो इम्पॉसिबल अरेंजमेंट कौन सा है? थर्ड जो है हमारा इम्पॉसिबल अरेंजमेंट है। इम्पॉसिबल अरेंजमेंट हमारा कौन सा है? थर्ड वाला जो है इम्पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, देन द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट। तो यहाँ पे दिया है फर्स्ट बोर ऑर्बिट, यानी अगर हम बात करें आर जीरो इक्वल टू 0.539 इंटू, अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हमारा जो यूज किया जाता है 0.529। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है, एन स्क्वायर अपॉन जेड ये फॉर्मूला हम लेते हैं। या तो हम इसी को लिखते हैं इस फॉर्म में भी, आर जीरो इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट बोर ऑर्बिट, जो कि फर्स्ट बोर ऑर्बिट ए नॉट इक्वल टू क्या होता है? ए नॉट इक्वल टू 0.529 होता है, ए नॉट इक्वल टू 0.529 है। अब पूछ रहा है थर्ड बोर ऑर्बिट, यानी एन इक्वल टू यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और कौन सा एटम है? इफ द रेडियस, यानी हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कंसिडर करेंगे,
क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट बोर ऑर्बिट दिया है, तो यानी हमारा हाइड्रोजन एटम कंसिडर करने का मतलब है, यानी 0.539 एंगस्ट्रॉम इंटू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3² × 1, यानी हमारा क्या होगा 0.53 × 9, आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 × 3 = 27, यानी ये 7 हो गया, ये हमारा 4.77 एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा, 4.77 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। द स्टेबल साइक्लोपेंटाडाइनिल कॉम्प्लेक्स ऑफ बेरिलियम इज, तो इस केस में साइक्लोपेंटाडाइनिल अब बेरिलियम का पूछ रहा है, बेरिलियम हमारा क्या है, ये मॉलिक्यूल है, यानी ये किस ग्रुप में आता है, बेरिलियम हमारा बोल, ये हमारा बेरिलियम है, बेरिलियम जो है हमारा यस ब्लॉक एलिमेंट में आता है, यस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं, अगर हम यस ब्लॉक की बात करें एंड पी ब्लॉक, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, किसको, ऑक्टेट रूल को, फॉलो ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे, यानी यहां पे हम देख सकते हैं इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो सिस्टम हमारा स्टेबल होगा, वो सिस्टम हमारा स्टेबल होगा, यानी यहाँ पे बेरिलियम है, साइक्लोपेंटाडाइनिल है, यानी बेरिलियम हमारा कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और साइक्लोपेंटाडाइन कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 × 2 = 10, यानी ये हो गया हमारा 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी ये अनस्टेबल है। दूसरे में बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है, बेरिलियम हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 कैसे पता चला, बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसा कि हमें पता है 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोजिशन है, यही 2 इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस शेल है, तो इससे पता चल गया किसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे कितने हैं, ईटा 3 ईटा 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, सॉरी प्लस का साइन लगाइए, प्लस यहाँ पे 3 ये, तो 4 × 3 = 7 ही हुआ, ये भी अनस्टेबल है। अगर हम इस केस में बात करें तो यहाँ पे 2 + 1 + 3 यानी 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी अनस्टेबल है। अगर इस केस में देखें तो 2 + 1 + 5 यानी ये हो गया 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा जो होगा स्टेबल हो जाएगा, ये हमारा सिस्टम जो है स्टेबल होगा, क्लियर। द नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इन द डाइमर्स, तो इस केस में पूछा हुआ है नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, इसमें सबसे पहला काम आपको निकालना है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इससे साइक्लोपेंटाडाइन हमारा 5 इलेक्ट्रॉन देता है, और आयरन हमारा कितना 8 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, कार्बोनिल हमारा 2 इलेक्ट्रॉन, और NO हमारा कितना करता है 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका जस्ट ट्वाइस कर दीजिए, कितना हो गया 8 × 5 = 13, 2 × 5 = 18, 18 × 2 = 36, यानी 36 हो गया, और आपको मेटल मेटल बॉन्ड निकालना है, तो मेटल मेटल बॉन्ड निकालने का क्या तरीका है, N × 18 - TV² 2, तो N कितना है, N हमारा जितने नंबर ऑफ मेटल हैं इसमें कितने हैं, ट्वाइस है, यानी 2 मेटल है, 2 × 18 - 36 / 2, तो ये आ गया हमारा कितना, ये आ गया हमारा 0, ये आया हमारा 0, यानी मेटल मेटल बॉन्ड इस कंपाउंड में कितने हैं 0 है। दूसरे कॉम्प्लेक्स में अगर निकालना है CpMoCO³² अगर इसका देखें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो Cp5 मॉलिब्डेनम हमारा 6 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, कार्बोनिल हमारा 2 × 3 = 6, यानी इसका ट्वाइस कर दीजिए, कितना हो गया 6 × 6 = 12, 5 = 17, यानी 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 17 × 2 = 34 हो गया, ये इसका ट्वाइस था इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया ट्वाइस से, यानी 34 हो गया। अब हमने क्या किया, मेटल मेटल बॉन्ड निकाल लिया है सेम टू सेम, यानी N × 18 - TV² 2, तो N कितने हैं, नंबर ऑफ मेटल 2 हैं, 2 × 18 - 34 / 2 हमारा आ गया 1 मेटल मेटल बॉन्ड, तो करेक्ट आंसर निकल कर क्या है हमारा डी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। द कॉम्प्लेक्स दैट डज नॉट ओबे द 18 इलेक्ट्रॉन रूल, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले हमारा इसमें साइक्लोपेंटाडाइन है 5 इलेक्ट्रॉन, रूथेनियम 8 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, CO 2 इलेक्ट्रॉन और PpSc 2 इलेक्ट्रॉन, जोड़ लीजिए कितना हुआ 8 × 5 = 13 और 5 = 18, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, 18 इलेक्ट्रॉन है तो ये फॉलो नहीं कर, जो कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है ये पूछा है, डज नॉट ओबे। तो सेकंड वाले में देखें टंगस्टन हमारा 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बोनिल हमारा 2 देता है, 2 × 3 = 6,
सिलिकॉन हमारा कितना देगा? सिलिकॉन एस आई एम ई थ्री के फॉर्म में है, यानी टंगस्टन से जुड़ा हुआ एस आई एम ई थ्री है, जैसे कि सी एस थ्री होता है उसी ग्रुप में है, तो सेम वही कहानी है, वन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। प्लस सी एल हमारा वन इलेक्ट्रॉन, प्लस मिडल के साथ अटैच हमारा क्या है, एन सी एम ई टू, एन सी एम ई टू एम ई एन सी एम ई है, सॉरी एन सी एम ई होने का मतलब है मेटल अटैच विद एन ट्रिपल बॉन्डेड सी एम ई, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो इस समय कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है? एक लोन पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये कितने हैं? दो मॉलिक्यूल हैं, तो दो दो चार हो जाएंगे, सिक्स प्लस सिक्स एंड प्लस वन प्लस वन प्लस फोर, कितने हो गए? छः चार दस, और छः चार दस और दस से ग्यारह, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन हमारा ब्रिजिंग में है, क्लोरीन हमारा ब्रिजिंग में है, क्लोरीन हमारा जब ब्रिजिंग में है तो वो हमारा छः छः बारह चार सोलह एक सत्रह अठारह, सॉरी सही है, करेक्ट है हमारा। इस केस में क्लोरीन हमारा ब्रिजिंग में नहीं है, सिक्स इलेक्ट्रॉन ये, सिक्स इलेक्ट्रॉन ये, प्लस वन इलेक्ट्रॉन हमारा एस आई एम ई थ्री, एक इलेक्ट्रॉन ये, छः चार दस छः छः बारह और बारह चार सोलह सत्रह अठारह, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एटीन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये हो गए, यानी एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये हमारा एस आई एम ई थ्री का है, एस आई एम ई थ्री कंट्रीब्यूट वन इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन भी हमारा वन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये भी हमारा टेन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इरेडियम हमारा नाइन, प्लस क्लोरीन थ्री इलेक्ट्रॉन, प्लस पी पी एच थ्री दो दो चार इलेक्ट्रॉन, प्लस ए एस पी एच टू, जैसे हमारा नाइट्रोजन ग्रुप होता है, नाइट्रोजन में एन एच टू माइनस होता है, यानी उसी तरीके से ए एस पी एच टू है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है सेम एस चीज, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा तो कितने हैं? एक ही है, तो नौ तीन बारह चार सोलह एक सत्रह, एक निगेटिव चार्ज है तो प्लस वन, यानी ये एट्टीन इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये भी है। अगर हम इसमें बात करें ऑस्मियम, ऑस्मियम एट, नाइट्रोजन कितना करेगा? नाइट्रोजन वैलेंस सेल में फाइव इलेक्ट्रॉन, प्लस ब्रोमीन हमारा कितना करेगा? दो इलेक्ट्रॉन, प्लस पी एम ई थ्री दो प्लस दो प्लस वन, कितना हो गया? आठ पाँच तेरह और तेरह छः उन्नीस एक बीस, ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये मॉलिक्यूल हमारा फॉलो नहीं करेगा। तो इस बिहाफ पे हमारा जो करेक्ट आंसर निकल करके आया डी ऑप्शन जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, तो अगर आपको आई टी जेम एज वेल एज सी टी पी जी से कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे आई एफ एस के ऐप पर जाकर के वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। तो यहाँ पे फ्री प्राइम क्लासेस, पी वाई के प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर एज वेल एज पेपर एनालिसिस सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, तो आप लोग जाकर के हमारे आई एफ एस के साइट पर यहाँ से ले सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।